हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? और आप लोगों का स्वागत है टैक्टिकल बिस्ट में, और मैं हूं SS बिस्ट, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग का जो पहला महीना है तो मुझे उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा, मेरे वीडियो को क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या मेरा सब्सक्रिप्शन रेट था, और कैसे मैंने जो शुरू में नेगेटिविटी आई, शुरू में लाइक और सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो मैंने कैसे उनसे ओवरकम किया, कैसे मैंने उनको उनसे निजात पाया, कैसे मैं सब्सक्राइबर और लाइक लाने में सफल रहा। सो गाइस, वीडियो देखते रहिए और लास्ट तक देखिए गाइस, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और मैं हूँ SS बिस्ट, आप देखते हैं टैक्टिकल बिस्ट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया। स्टार्टिंग में गाइस, शुरू के जब मैं बनाने का सोच रहा था तो मुझे थोड़ा हिचक था कि मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। सो गाइस, लास्ट में डिसाइड किया चलो आज बना ही लेते हैं। तो मैंने गाइस स्टार्टिंग के मैंने 7 वीडियो बनाए, और गाइस लिटरली बिलीव मी, 10 दिन तक उन पर कोई व्यू नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। तो 11th डे मैंने क्या किया, अपने जो 7 वीडियोज हैं उनको मैंने एनालाइज किया और मैंने उनको देखा एक एक करके, और मैंने उनको काफ़ी देखने का मैंने इसमें यह पाया कि भाई इसमें साउंड क्वालिटी इतनी क्लियर नहीं है, इतनी क्लियरेंस नहीं आ रही है कि वीडियो अगर कोई अगर देखेगा अभी तो उसको लाइक नहीं करेगा और वो वायरल नहीं होगा। क्योंकि गाइस, वीडियो वायरल तभी होती है जब उसमें भले वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो ना हो, आपकी जो ऑडियो की जो गाइस जो क्वालिटी होती है वो मस्ट है कि वो अच्छी होनी चाहिए। इट नीड बी गुड एंड क्रिस्प, आपको साफ साफ सुनाई देनी चाहिए बंदा क्या कह रहा है। सो गाइस, मैंने वो 7ों वीडियो डिलीट किया एंड मैंने एक माइक लाया जो कि ठीक था, महंगा भी नहीं था बट एवरेज था कि चल जाए, आवाज़ सही आ जाए। क्योंकि गाइस, इनिशियल में इतना खर्चा करना अच्छा नहीं है, चैनल चले ना चले। सो गाइस, ये होता है। तो मैं एक माइक लाया गाइस, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किए, और गाइस 15 वीडियो मैंने बना डाले, मुझे एक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं आया गाइस, 15 वीडियोज़। तो अब गाइस, मैं सोचने लगा कि यार कमी कहाँ हो रही है, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। सो गाइज, मैंने कुछ वीडियो और देखने शुरू किए कि यूट्यूबर के क्या बोलते हैं। तो गाइज, सभी ने यही कहा कि देखो गाइज, अगर आप वीडियो बनाते हो तो ये मत सोचिए कि एकदम से रातों रात वायरल होना शुरू हो जाएगा। पहली बात, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, आप कोई नॉन फिगर नहीं हो, कोई पब्लिक फिगर नहीं हो कि आपकी वीडियो आएगी और लोग देखना शुरू करेंगे, धड़ाधड़ लाइक सब्सक्राइबर और चैनल आपका मोनेटाइज एकदम से चुटकियों में। नहीं गाइज, ऐसा नहीं होगा। आप एक कॉमन पीपल हो, आप आम आदमी हो, आम आदमी को मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो गाइस, आपको भी करना पड़ेगा, मैंने भी किया और मैं कर ही रहा हूँ। सो गाइस, 15 दिन तक एक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं आया। तो 16 दिन मैंने 15 दिन की रात को मैंने एक वीडियो डाला, और गाइस फिर मैंने यूट्यूब चैनल चेक नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने रात के 8 बजे उस चैनल को चेक किया, तो गाइस 2 सब्सक्राइबर आ गए थे और अच्छा खासा लाइक और व्यू भी आने लग गए थे गाइस। तो ये इंसिडेंट गाइस मेरे अंदर ना एक पेट्रोल सा भर दिया मेरे इंजन पे, जो मेरा इंजन जो डाउन जा रहा था, बिल्कुल मोराल लेस था। तो एकदम से गाइस, जैसे 2 सब्सक्राइबर गाइस, खुशी अलग होती है। अगर आपने चैनल स्टार्ट किया है, आपका पहला सब्सक्राइबर गाइस होता है ना, आप गेन करते हो ना, तो आपको इतनी खुशी मिलती है गाइस, वो एक्साइटमेंट अलग ही रहती है। तो गाइस, आपको हौसला मिलता है, मुझे हौसला मिला गाइस, मैं वीडियो बनाता रहा और उसका गाइस मुझे ना सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलने लगे, अच्छा रेट से रोज के रोज आने लग गए और व्यू भी गाइस अच्छा आने लग गए। गाइस, ऑटोमेटिक नहीं हुआ गाइस ये चीज़, रातों रात नहीं हुआ ये चीज़, ये चीज़ हुई 15 वीडियो के बाद। मैंने 15 दिन मेहनत की तो मुझे रिजल्ट मिलना 16 दिन स्टार्ट हुआ, 16th डे आई गॉट द रिजल्ट व्हाट एवर आई लुकिंग फॉर। सो गाइस, अगर आप वीडियो बना रहे तो गाइस बनाते रहिए, कीप ऑन ट्राइंग, हमेशा मेहनत कीजिए और आपके एक दिन गाइस कभी ना कभी वीडियो वायरल होगा। और गाइस, वीडियो वायरल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो वायरल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर एक बार आपके चैनल वायरल होता है, आपकी वीडियो वायरल होती है, तो गाइस आपको ऑडियंस मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी वीडियो की रीच बढ़ जाती है। सो गाइस, आपका एफर्ट उसमें कम लगाना पड़ता है, बट गाइस कंटेंट अच्छा रखिए, और कभी भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, क्लीन, एंड गाइस थंबनेल जरूर यूज़ कीजिए, अच्छा थंबनेल बनाइए, और गाइस स्क्रीन कार्ड आप जरूर उसका यूज़ कीजिए। मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है किस तरह स्क्रीन कार्ड से आपको ज़्यादा रीच मिलती है, आपकी रीच 3 गुना 3 टाइम बढ़ जाती है। मतलब अब गाइस, मैं बताता हूँ कैसे बढ़ती है। लाइज गाइस, आपने 15 वीडियो बनाई
और 15वां हमने डाल दिया स्क्रीन कार्ड। गाइस स्क्रीन कार्ड एक टूल होता है यूट्यूब का, कि उसमें अगर जैसे आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि वीडियो जब एंड होगी तो आपके आपको कौन सी वीडियो आप सजेस्ट करना चाहते हो अपने वीडियो की लिस्ट में से। तो गाइस आप एक वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो। सो गाइस 15वां में हमने सजेस्ट कर दिया है, और मान लीजिए 15 में से आपका एक वीडियो वायरल होने लग गया, लोगों को पसंद आ रहा है, तो गाइस उसमें सजेशन आएंगे तीन वीडियो का। और आपका वीडियो जब पसंद हो रहा है तो लोग जो व्यूज व्यूवर आपकी वीडियो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो आपके तीनों वीडियो देखेंगे गाइस, और इसकी आपकी रीच तीन गुना बढ़ेगी। सो गाइस आपने अपनी तरफ से पूरा 100% करना है जो आपको करना चाहिए। आपको आप सिर्फ काम कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, आप अपना 100% दे सकते हो, पर व्यूज आना सर गाइस ये लक की बात है, कभी भी लक होता है और कभी कभी गाइस आने में देर लगती है, पर गाइस अपना काम परफेक्ट करो, थंबनेल अच्छा डालो। और गाइस थंबनेल अच्छा क्यों डालो, अगर जैसे कि आपने एक वीडियो बनाई हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, गाइस वो रैंक कर गई, और जैसे कि मैं लिखता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, तो गाइस तीन अगर वीडियो आती है और आपके तीनों में से आपका दूसरा नंबर है, तो गाइस वहाँ मैटर करेगा थंबनेल। अगर थंबनेल आपका अच्छा अट्रैक्टिव होगा, अगर वो आपके किसी की जो अट्रैक्शन अपने ओर खींचेगा, तो गाइस बंदा उस पर क्लिक करेगा। ये गाइस ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है कि कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो बंदा पहले उस पर नजर आता है, पहले उसके बारे में सोचता है। तो गाइस ये चीज़ आपने करना है, और थंबनेल अच्छा बनाना है, और आपके कंटेंट अच्छे होने चाहिए, वीडियो अच्छी होनी चाहिए, तो पक्का बंदे आपकी ओर ही आएंगे। सो गाइस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, वो फेस करना पड़ता है, वो सभी को करना पड़ता है गाइस फेस, जिसके आज 1 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी गाइस अर्ली स्टेज में ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, फेस किए हैं, उसे ओवरकम किए हैं, फाइट किए हैं, उन्होंने मेहनत की है, तब जाके गाइस आज उनके इतने सब्सक्राइबर, उनके व्यू आ रहे हैं। तो अगर आप न्यू हो तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको क्या पता महीने भर तक व्यूज ना आए, पर आपको गाइस वीडियो डालना है। आप एक रूटीन बना लीजिए, जैसे कि आप खाना खाते हो, रोज खाते हो, वैसे रोज वीडियो डालिए गाइस, रोज डालिए वीडियो। वीडियो डालने में आपका क्या पैसा जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, बस आपका 3-4 घंटे जाएंगे कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में कुछ टाइम जाएगा बस। गाइस ये अच्छा है, इससे आपको आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। और गाइस जैसे कि आप सोचते हो कि चलो कोई नहीं, हम अपने दोस्तों को जोड़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं गाइस, फ्रेंड्स रिलेटिव कलीग्स को जोड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ सब्सक्राइबर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको चैनल को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ चाहिए, तो आपका सब्सक्राइबर अनबायस्ड होना चाहिए, उसकी आपकी ओर झुकाव नहीं होना चाहिए, वो आपका चेहरा देख के, आपकी दोस्ती देख के, आपका आपकी रिलेशनशिप देख के सब्सक्राइबर नहीं बनना चाहिए। आपका सब्सक्राइबर सिर्फ आपका वीडियो देख के बनेगा, आपका वीडियो अच्छा होगा आपका सब्सक्राइबर बनेगा, वो व्यू लाएगा, वो आपके चैनल को आगे पहुंचाएगा। अगर आपके वीडियो में दम नहीं तो सब्सक्राइबर और फ्रेंड आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, जस्ट उस एक असेट है, डंपिंग असेट, वो कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए गाइस दोस्तों यारों को ना ही सब्सक्राइब करवाओ तो अच्छा है, क्योंकि अगर उनको आप वीडियो शेयर करते हैं वो वीडियो खोलेंगे, क्योंकि आपका दोस्त है, और खोल के बंद कर देंगे गाइस, उससे आपको आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। वीडियो रैंक कराने का गाइस आपकी वीडियो को एटलीस्ट ड्यूरेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप 7 मिनट की वीडियो बना रहे तो 5 मिनट से ऊपर का ड्यूरेशन होगा, तब जाके गाइस वो एल्गोरिथम के हिसाब से वो रैंक करेगा। अगर मान लीजिए आपने वीडियो बना दी 10 मिनट की और बंदे उसको देख रहे हैं 30 सेकंड के बाद क्लोज कर दे रहे हैं, तो गाइस वो कभी रैंक नहीं करेगी, वो नीचे जाएगी, क्योंकि YouTube भी उसी को आगे लाता है जो 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 अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जिसकी जो ज़्यादा देखी जाती है उसी वीडियो को गाइस वो सजेस्ट करता है, वही वो वीडियो को इंजन में सबसे ऊपर लाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। और गाइस आपको SEO का यूज़ करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, उसमें आप कीवर्ड डालेंगे जब ये वीडियो बनाते हैं, तो वो कीवर्ड डालते हैं तो गाइस वो बहुत काम करते हैं आपकी वीडियो को रैंक करने में। मान लीजिए 2% भी कर रहे थे गाइस, 2% भी आपके लिए बहुत होता है, 2% का मतलब बहुत सा गाइस, आपकी वीडियो को अगर 100 लोग में जा रहा था, 2 लोग तो देख रहे हैं और 1 तो सब्सक्राइब बन रहा था गाइस, तो 2% भी अगर होता है वहाँ भी चांस लीजिए, 1% गाइस उस भी चांस लीजिए गाइस, चांस लोगे तो आपका चैनल जरूर आगे बढ़ेगा। गाइस मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने हर चीज़ फॉलो की, कीवर्ड्स, थंबनेल, स्क्रीन कार्ड, एवरीथिंग गाइस सब कुछ फॉलो किया, और लास्ट में गाइस व्यूज बढ़ने शुरू हुए धीरे धीरे। गाइस धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली, एकदम से ड्रास्टिंग चेंज कभी नहीं आता, वो उनके लिए आता है जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो पब्लिक फिगर होते हैं, जिनको लोग जानते हैं। सो गाइस अगर आप वीडियो बना रहे हो तो बनाते रहिए, और गाइस आप फल की चिंता मत कीजिए, फल की चिंता करोगे तो आपकी वीडियो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, आप जस्ट काम करते रहो, बस काम बिल्कुल स्मूथली करते रहो, आपको सफलता मिलेगी। गाइस टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं, साल भर जाता है गाइस, और यूट्यूब ने तो गाइस साल भर का टाइम दे रखा है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर देखने के लिए। गाइस एक वन ईयर गाइस बहुत होते हैं, गाइस 1 ईयर बहुत होते हैं, आप मेहनत करोगे
आप अगर वीडियो बनाते रहोगे और सही से जो डिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करोगे, गाइडलाइन फॉलो करोगे, तो आपकी वीडियो रैंक करेगी और आपके सब्सक्राइबर गेन होंगे, आपका चैनल मोनेटाइज होंगे। सो गाइस घबराना नहीं है, अगर शुरू में लाइक्स नहीं आते हैं, व्यू नहीं आते हैं, गाइस जो सबके साथ होता है, आप कोई स्पेशल नहीं हो, आप कोई नए नहीं हो, जितने जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल बना रखा है उनका स्टार्टिंग में गाइस यही होता है। तो गाइस ये कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मोरल डाउन करने वाली बात नहीं है, वीडियो बनाते रहिए। सो गाइस वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आगे भी मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट लाऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स लाऊंगा जिससे आप अपने चैनल को ग्रोथ कर सके। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।